एलोन मस्क अभी के टाइम के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन, और ये और इनके इनोवेशन से तो आप वाकिफ होंगे ही। दोस्तों, एलोन मस्क अपने एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जिसका नाम है न्यूरालिंक, और ये भी ऑफकोर्स एक शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। जो आप अपनी स्क्रीन में चिप देख रहे हैं ना जो पकड़ी हुई है, यही है न्यूरालिंक। पर इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, ये दरअसल हमारे ब्रेन के अंदर जाने वाली है। यह सुनकर आप पक्का शॉक होंगे, भाई ऐसे कैसे कोई चिप ब्रेन के अंदर चली आएगी। ये बेसिकली एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रहेगा। पर भाई ये हमारे दिमाग में जाएगा कैसे, ऑफकोर्स सर्जरी कर, ये सर्जरी से इम्प्लांट होने वाला है। पर यार हम इंसान इसको अंदर जाने क्यों दे, ये न्यूरालिंक को हम अपने ब्रेन के अंदर क्यों डाले, इम्प्लांट क्यों करे, और क्या ये हमारे लिए सेफ रहेगा। दरअसल जो सेवरल ब्रेन की कंडीशंस रहती है ना, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर्स, और जितने भी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, उनको ये न्यूरालिंक 100% परमानेंटली ठीक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, पर तब भी यार हम ह्यूमंस हैं, हमको कहीं ना कहीं यार हल्की सी बातों का डर भी लगता ही है। तो क्या ये जो न्यूरालिंक है हमको अफेक्ट कर सकता है? दरअसल जब न्यूरालिंक इम्प्लांट होता है तो उसमें बहुत सारी वायर्स रहती है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, और वो ना मशीन्स के जरिए जुड़ी रहती, कनेक्टेड रहती ब्रेन में। तो क्या ये हमको अफेक्ट कर सकती है? सिंपल सी बात है, ये अभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है इंसानों में, अभी इम्प्लांट करना शुरू नहीं किया है। तो जब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इम्प्लांट होगा, जब उसके अफेक्ट्स मालूम पड़ेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा कि न्यूरालिंक हमारे अच्छा है, किस वजह से बुरा है, किस वजह से अच्छा। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये वीडियो आपको पसंद आई? अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी वीडियो को बनाने के लिए। ऑफकोर्स शॉर्ट है बट यार तुमको मालूम ही होगा भाई, इतने सारे प्रेजेंटेशन वगैरह करने पड़े थे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं अभी के लिए चलता हूँ, तब तक के लिए बाय।